नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाक फौज की आपत्तियों को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही थी वह कराची के गटर पर जाकर समाप्त हुई। पिछले दिनों जब ISPR ने 50,000 आपत्तियों का ऑर्डर दिया था तब कयास यही लगाई गई कि पाक आर्मी की कंपनियां घाटे में आ चुकी है, जिस वजह से बाजवा अपनी सेना को फुल साइज की पतलून नहीं दिला पा रहे हैं। मगर अब मामला दूध की तरह साफ हो गया है और पानी के ऊपर जो काई जमी थी उसे हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मतलब जो 50,000 हाथ पतलूने बाजवा ने बनवाई है, पाक के ढोलू छाप सैनिकों ने पहनकर कराची के गटर में कूद पड़े हैं। गटर की पैदाइश, गटर में उतरकर कराची को साफ करने की चुनौती स्वीकार कर चुकी है। सेना ने ऐलान किया है कि वह 15 दिन में कराची के गटर ही नहीं नाले नालियों को भी बनीगाला की तरह चमका देंगे। वैसे भी पाक की फौज गटर के लायक ही बनी है, दूसरा काम धंधा इनके पास मौजूद भी नहीं है। भारत से 4 युद्धों में तशरीफ तुड़वाने के बाद गटर पर गुस्सा उतारना लाजवाब है। इससे इस बात की भी तस्दीक होती है कि बिना कोई जंग जीते इनके पास जो 200 ग्राम पीतल के मेडल है उनकी प्राप्ति ने गटर की सफाई के उपरांत ही हुई है। यह पहले मुल्ला है जिनकी दौड़ मस्जिद के बजाय गटर तक है। पाक फौज प्रमुख बाजवा कराची के गटर सफाई अभियान पर खुद नजर रख रहे हैं। इससे पहले कराची के बदनाम इलाके लियारी में भी पाक फौजी अभियान चला चुकी है। वहां भी 8 पाकिस्तानी फौजी 12 लड़कियों को लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस बार गटर में उतरे हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि कराची वासियों को रात को टॉर्च जलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा गटर के ढक्कन ये फौज गायब करने वाली है। जिसे यह बात गंभीर नहीं लगी हो वह 2 महीने पहले CMS मुजफ्फराबाद का ट्वीट देख सकते हैं, जहां क्वारंटीन किए गए पाक फौज के हवलदार से कर्नल तक 27 LED बल्ब विद होल्डर ले उड़े थे। बाद में CMS मुजफ्फराबाद ने इनका भेद खोला तो खुद बाजवा ने इसका दंड भुगता था। यानी गटर की सफाई के बहाने कराची के लिए बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर लिया गया है। 15 दिन बाद यहां गटर में गिरकर हुरों के खोज में जाने वालों का तांता लगने वाला है। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि यह दुनिया की पहली मुल्ला फौज है जो गटर में उतरती है, उसकी सफाई करती है, फिर उस सिल्ट को फौजी ट्रकों में ढोकर शहर से बाहर पहुंचाती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस पर्यावरणीय स्वच्छता प्रयास के तहत इमरान पाक फौज के लिए नोबेल की डिमांड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि पाक फौज को गटर साफ करने की कला भारत की लातों ने ही सिखाई है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सजदा किया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें कई कामों में एक साथ ट्रेंड किया था। भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने वाले पाक सैनिकों से भारत की सड़कों की सफाई, गटर साफ करना और घोड़े के अस्तबल से लीद तक उठाने में इन्हें पारंगत किया गया था। उस वक्त पाक सैनिकों को यह काम करने के बाद शाम के खाने के साथ 10 लातें भी दी जाती थी। वह दिन पाक फौज ने आज भूली है और न भविष्य में कभी भूल पाएगी। यकीनन पाकिस्तान को भारत से इन्हें मिले सफाई प्रशिक्षण का बड़ा फायदा मिला है। 2 वर्ष पूर्व भी जब कराची के गटर जाम हुए थे तब पाक फौज को भारत द्वारा दिया गया अनुभव काम आया था। उस दौरान भी इन फंटर रेपिस्ट पाक सैनिकों ने अपने भारतीय उस्तादों के दंड का स्मरण रखा था। 15 दिनों में इन्होंने कराची के तमाम गटर साफ करके एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। ये कहीं ना कहीं मोदी के उस वाक्य को भी पूरा करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं सीखते हैं। इसलिए 1971 में रोज शाम को मिलने वाली 10 लाते आज कराची के गटर में काम आ रही है। बकरीद के बाद कराची के गटर की हालत और भी बदतर बनी है। इन तहमतबाजों ने जो गंदगी खाई है वह अब इन्हीं गटर की शान बन चुकी है। इनमें जानवरों के अवशेष और वह कचरा भी शामिल है जो घरों की नालियों से होता हुआ गटर में समा गया है। पाक फौज के लिए इसे साफ करना चुनौती जरूर है, मगर उनके पुराने तजुर्बे को देखते हुए यह मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाजवा इस फंटर सेना को शौचालय साफ करने की चुनौती दे। वैसे 1971 में भारत से इन्हें इसका भी भरपूर प्रशिक्षण दिया गया था। यकीन मानिए पाक फौज इस कसौटी पर भी खरा उतरेगी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि कराची म्यूनिसिपैलिटी की कमान पाक फौज खुद संभालने के चक्कर में है। न जाने किस मुल्ला ने इन्हें बहला दिया है कि कराची म्यूनिसिपैलिटी सोने की चिड़िया है। अगर बाजवा पूरी तरह कब्जा करने में सफल होते हैं तो दुनिया के सबसे गंदे शहर के दिन जरूर बदल सकते हैं। सफाई कर्मियों की 6 लाख की तादाद इसे स्वच्छ और हरा भरा बना सकती है। संभव है कि रोशनी के शहर से कचरे का शहर बने कराची को गटर फौज फिर से ठीक ठाक रूप दे सके। पर सवाल यह भी है कि अगर पाक फौज के गटर में उतरने के दौरान भारत ने POK में एक्शन कर दिया तो इनकी जान बचाने के लिए गटर ही सबसे सुरक्षित बंकर है। गटर फौज इसका अभ्यास भी जरूर कर रही होगी। पिछले दिनों बाजवा ने एक बड़ा बयान देकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी फौज साफ सफाई के काम में पूरी तरह ट्रेंड है। उनके इस बयान से यह साबित भी हो गया था कि यह मदरसा पैदाइश केवल इसी काम के लिए बनी है।
इनके बस में किसी तरह की जंग जीतना नहीं है। यह फौज अपने ही देश के नागरिकों पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करती है। बलूचों, अहमदिया मुसलमानों और पीओके के लोगों पर अत्याचार कर सकती है। जंग लड़ने की नौबत आती है तो भारत अफगानिस्तान और ईरान से पिटकर गटर में जा छुपती है। बाजवा के बयान का इशारा यही था कि मदरसा मुल्क की साफ सफाई के लिए ही इस ढोलू सेना का गठन हुआ है। अब जिस किसी को बाजवा के बयान पर संदेह है वह पाक मीडिया की इस डिबेट को सुन सकते हैं। इस डिबेट से साबित होता है कि जिस फौज के नाम पर पाकिस्तान को उल्लू बनाया गया उसी के लिए यह मातमी राग अलापे जा रहे हैं। आइए सुनते हैं पाक फौज के गठन में उतरने को लेकर ये पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ क्या क्या तकरीरें कर रहे हैं। सब एनडीएम में कर लेगा ये काम सारा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये खबर सुनकर के कराची में सलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को बुला लिया गया। सच्ची बात है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि अब वो फौज जो दुश्मन से सरहदों पे लड़ती है, वो फौज जो अंदरूनी मुल्क अपने जो दुश्मन है उनका सफाया करती है, अब आप उससे क्या काम लेंगे? कराची में बारिश का पानी साफ करवाएं, नालों की सफाई करें। अब देखें टिड्डी दल का हमला हो जाए, फौज अब ये पानी बारिश का रह गया आपने उसके लिए वो भी काम करवाने। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज है, जो फौज वाली आप बात करते तो मुझे वो पिछले दिनों उनका स्टेटमेंट याद आ रहा था। शेयरबन एनडीएम ने जब किसी हवाले से बात करते हुए कहा कि जी हमारे फौजी इस मामले के लिए ट्रेंड है और सिविलियन उस तरह से ट्रेंड नहीं, तो बड़ा लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज भी किया हुआ था सोशल मीडिया पर भी कि भाई जी देखें जी आपने होने ही नहीं दिया जी सिविलियन इदारों को ट्रेंड। तो भाई जब आप वैसे तनकीद कर लेते इस मामले में कि जी मुदाखलत ना हो, लेकिन फिर जब आपसे अपने सफाई तक नहीं हो रही वो भी फौज को आगे करनी पड़ेगी, तो फिर आप सोच लें कि सिविलियन इदारे कहाँ खड़े हैं। इसलिए ट्रेंड नहीं है ना कि वहां जो अभी इन्होंने कहा एमक्यूएम की हुकूमत आई उसने सब अपने कारकुन भर्ती कर लिए। और यहाँ पे एक और बात, नाले जो है, नालों के गिर्द जितनी जगह थी नालों की सफाइयां क्यों नहीं हुई? वो इन्होंने बेच लिए, वहां घर बने। दूसरी तरफ मुझे शर्म का मकाम लगता है अपने पॉलिटिशियंस के लिए। क्यों? आप देखें एमक्यूएम जैसे ये कह रहे थे उसने यहाँ इस सूबे में, इस शहर में, कराची में कितनी, वो कहते हैं ना, बिला शिरकत गैरे उसके इक्तदार के मजे लूटे। हाँ जी, उसके बाद पीपल्स पार्टी 12 साल से वहां पे मुसलसल इक्तदार में, पिछले आप भूल जाएं पीटीआई के कितने। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।